सारे गवाही सुनो, ताकि ये गवाहियां सुनने से आपके दिलों के दरवाजे खोल दे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मेन्ना है, मेरा गांव अनूप शहर है। मैं एक बहन के घर से दूध ले आती हूँ। उसकी बहन से 8-9 महीने की ब्याह होगी, उसको गाभिन नहीं हो रही थी, और मैंने यहाँ से एक केला लिया और उसको दिया, और उसकी भैंस गाभिन है। आज उसी के घर से यह डब्बा आया है। देखो, तारीफ करो परमेश्वर। 9 महीने से, क्या वो 9 महीने हो गए थे उसको, और आगे की नहीं हो रही थी? फिर आपने यहाँ आए, क्या किया? फिर केला लेके गए? मैंने प्रार्थना की कि भी प्रभु उसकी भैंस गाभिन हो जाए, मैं यहाँ से फल लेके जाती हूँ, उसके फल लगे। जी, तो वो कितने दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद में ही होगी। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। वो युगों युग जिंदा परमेश्वर, जो 1 साल के लगभग उस भैंस को हो गया था, वो आगे की नहीं हो रही थी, यहाँ से केला लेके गई थी, और 4 दिन बाद वो भैंस 1 लाख की बन गई, और आज उसकी खुशी में रसगुल्ले का डब्बा आया है। आप भी चाहते हो कि आपके घर से भी रसगुल्ले के डब्बे परमेश्वर के दरबार में आए, तो आप यहाँ आना शुरू करो, और आज विश्वास से बोल के जाना कि प्रभु अगला एक पिंपा मैं लेके आऊंगी, तो बड़े काम करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। तो इन लोगों को क्या बताते हो, यहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, सभी को जुड़ना चाहिए, और विश्वास और आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, और उससे है ना बहुत बड़े बड़े चमचिन और चमत्कार होते हैं, मेरे द्वारा हो रहे हैं हमारे गाँव में बहुत सा। एक जो मेरे 2 दिन पहले शादी हुई, वहाँ पर कोई मेहमान आए थे दिल्ली से, उसकी गुंटी खो गई थी आधे तोड़े से ऊपर, और मैंने कहा कि कीचड़ में ढूंढ लो मिल जाएगी, उन्होंने सभी जगह देखा नहीं मिली, और मैंने कहते कि कहते कहा उससे, जैसे ही निगाह डाली वो गुंटी मिल गई। और परमेश्वर है, आपको कैसे पता चला कि हमारी गुंठी कीचड़ में ही पड़ी है? मैंने नहीं सोचा, मैंने तो परमेश्वर से कहा, उन्होंने आपकी गुंठी लौटाई, मैंने नहीं कहा कुछ भी। आप भी करोगे इतने बड़े बड़े काम अगर आप परमेश्वर पर यकीन से आए हो तो। परमेश्वर कहता है, शक ना कर, संदेह ना कर, संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है, जो एक बार बढ़ के आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। आप यहाँ आए हो, जिस जोश से आए हो, जुड़े रहना, अगली गवाही आप ही के घर से है। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की।